चैनल की सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल बटन को भी प्रेस करें। अगर मेरा अकाउंट कारवी में है और उसमें शेयर पड़े हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन है उनका जिनके पास कारवी का डीमैट अकाउंट है, क्योंकि सेबी ने कारवी को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। किसी फ्रेश क्लाइंट को ऐड करने, किसी खरीद बेच के लिए, हर तरीके से जो है कारवी को सेबी ने बैन कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ईएपी का यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपके पास कारवी के अकाउंट है तो अब आपको आगे क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपका डीमैट अकाउंट कारवी स्टॉक ब्रोकिंग में था तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि डीमैट अकाउंट को चेक कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप अपने डीमैट अकाउंट को चेक कीजिए कि उसमें कितने शेयर हैं और कितना कैश रिजर्व है। पहले यह तय कर ले कि आपके डीमैट अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आप डिपॉजिटरीज के नए स्टेटमेंट के जरिए भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है तब आप क्या करेंगे? अगर आपको अपने डीमैट अकाउंट में कोई भी गड़बड़ी नजर आती है तो आपको अपनी ब्रोकिंग कंपनी के साथ साथ सेबी को भी शिकायत करना चाहिए। आप अपनी डिपॉजिटरीज CDSL और NSDL से भी शिकायत कर सकते हैं। ये आपका कॉपीराइट है। अगर गड़बड़ी नहीं है तब आपको ये करना है कि जो कारवी में डीमैट अकाउंट है, अगर वो आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आपको किसी नई कंपनी के साथ, किसी भी नए ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। आपको कारवी में डीमैट अकाउंट बंद करवाने के लिए क्लोजर फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके बाद आप कारवी डीमैट अकाउंट के सभी शेयर अपने नए डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा लीजिएगा। आप शेयर ट्रांसफर आराम से कर सकते हैं और ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपना एक ब्रोकर चेंज कर रहे हैं, कुछ उसने गड़बड़ी की है और आपको इसके लिए कोई टैक्स भी नहीं देना होगा। अगर जो सेकंड ब्रोकर है अगर वो कोई चार्ज मांगता है तो मे भी हो सकता है कि छोटा मोटा चार्ज लगे ट्रांसफर का चार्ज, बट ये किसी टाइप का इसमें टैक्स वगैरह में नहीं आएगा। जैसे हम बाई करते हैं तो जो लॉन्ग टर्म या जो किसी टाइप का भी टैक्स देते हैं, इसमें किसी टाइप का आपको टैक्स वगैरह नहीं देना है। सिर्फ आपको सिंपली यही करना है कि अपने शेयर को नए अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। अगर इनकेस आपकी कोई जो ट्रेडिंग है वो अधूरी रह गई है, वो कंप्लीट नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपकी कोई भी ट्रेडिंग अधूरी रह गई है, यानी आपने शेयर खरीदा लेकिन डीमैट अकाउंट में उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई, तो आपको उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज में जो है कंप्लेन करनी होगी। वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आपने सो एंड सो डेट को सो एंड सो शेयर बाय किया था और वो आपके अकाउंट में नहीं शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटे से वीडियो में हमने ये बताया आपको कि अगर किसी के पास भी कारवी का अकाउंट है, अगर वो कहीं स्टक हो रहा है, तो अगर इन जो भी हमने प्रॉब्लमों का जिक्र किया, अगर उस प्रॉब्लम में किसी टाइप की प्रॉब्लम है तो आपको हेल्प होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी कारवी के डीमैट अकाउंट होल्डर हैं उनको इस वीडियो से बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए और सीखते रहिए स्टॉक मार्केट ईएपी के साथ।